जय जगन्नाथ सारस्वत बार्तार अगणाकु आपण मानक स्वागत। आजर विषय वस्तु होची विधवांक हातरे रौप्य कंकण काहीक शोभा पाए। प्रत्येक नारी चाहे शंखा सिंदूर से सबुबेळे विमंडित हो रही था, किंतु भाग्यर विडम्बना समस्तिंक हातरे से सुजोग नथाए। भाग्यर से अहडेंगुरार नाद नथाए, किंतु संसार रे पिला छुआंक पई तो बंचिबा को पड़िथाए एही वैधव्यर जंत्रणा को नै। किंतु एही वैधव जंत्रणा रे गोटे जिनिष ता हातरे थाए रौप्य कंकण। एही रौप्य कंकण व्यतीत कानरे नाकरे बेकरे पादरे कौनसी अलंकार नथाए, केवल एही रौप्य कंकण धारण करा जायथाए। हिंदू शास्त्र रे प्रत्येक नियम पछरे किछि ना किछि कारण थाए, सेहिपरि एही रौप्य कंकण धारण करिवार गोटे कारण अछि। जदि आमे भागवतर पृष्ठा को ओलटाइबा सेथि मधेरे लेखा जायछि कि थरे नारद मुनि कैलाश पर्वत देई गमन करथिबा समय रे शिव ताहांकु डाकिले और शिव कहिले कि हरि कथा कहंतु। हरि कथा कहिबा समय रे हरिंकर मोहिनी रूप विषय रे कहिले। ए मोहिनी रूपर लावण्य को जेते बेले परिप्रकाश करंते विष्णुंकर से मोहिनी रूप को देखापी इच्छा परिप्रकाश कले और से चलिले वैकुंठपुर को। से ही समय पार्वती को मध्य नहीं करी गले और विष्णु को अनुरोध कले जे मते तुमर मोहिनी रूप देखा, किंतु विष्णु मना कले जे तुमर यही मोहिनी रूप देखिले किछि भी मंगल हेबो नाही। से ही समय शिव कहिले कि जदि भगवान रूप को देखिले किछि मंगल हेबोनी ताहले ये की कथा, आपण मिछ कहउछन्, आपण ए रूप देखिबा को चाहू नाहंती। विष्णु तापरे एहिपरि बहुत तर्क वितर्क परे विष्णु ताहांकु मायारे एक नारी रूप धारण कले और मोहनरु मोहिनी रूप होइगले। जो मोहन को भगवान शिव सबुबेळे पूजा करंती से मोहन मोहिनी रूप को धारण कले। बक्षकुर बक्षर स्थल को टिकिए लुगार अल्प आढ़ुआल देखा गोटे वृक्ष आढ़ुआल बाहरी आसिले। से ही रूप को देख रूपलावण्य विष्णु विष्णुकर रूपलावण्य को देख शिव आह्लादित होइगले और तांको पछरे गोड़ाइबा को लागिले। पार्वती जेते मना करुथांती से तांकर हाथ को छिंचाड़ी दे आग को चलिले। एहिपरी चालू 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 पार्वती मध्य विरक्त होइगले। तत्पर शिव दौड़ा को लागिले, मोहिनी मध्य दौड़ा को लागिले। एहिपरी दौड़ा दौड़ी समय रे विष्णु आउ बेसी पाया न करी ताहांकु धरा दे देले। से ही समय रे मोहिनी को आलिंगन करी शिव जाबुड़ी धरिले। किछि क्षण मुहूर्त रे शिवंकर ब्रह्मबिंदु स्खलित होइगला और शिव जाग्रत हो उठिले। से ही जो ब्रह्मबिंदु धरा पृष्ठ रे पड़िला ताहा रजत नामरे नामित होला। ए रजत को रौप्य धातु कहे, रजरु उत्पत्ति बोली तार नाम रजत। रजत रजत धातु है वंशोद्भव भावर प्रतीक, कारण शिवंक ठारु जहाँ किछि उत्पन्न होइथाय ताहा पवित्रता होइथाय। तेणु को रौप्य धातु मध्य रजबिंदुरु जात होइथिले मध्य ताहा पवित्रता मूल्य प्राप्त होला। एही रौप्य धातु कुछ है वंशोद्भवर प्रतीक होता है, पुत्र नातिंकर बुद्धि घटी थाए से ताहाकु हाथ रे धारण करा गला। स्वामी ठारु पुत्र जात होइथाय और पुत्र ठारु नाती। एही स्वामी ठारु पुत्र जात होइथिबारु स्वामींकर संतक रूपे पुत्र होइथाय। तेणु करे स्वामींक उद्देश्य से चूड़ी पिंधुथिला, तेणु करे पुत्र जेहेतु बंची रहिछि स्वामींक संतक सेहिथिपाई से रौप्य धातु को धारण करिथाय। रौप्य धातु को धारण कले नातींकर मंगल होइथाए। जेउ मानकर पुत्र नाती नथांती सेमाने केबे भी रौप्य कंकण धारण भी करि पारंती नाही। एहा मध्ये शास्त्र रे उल्लेख अछि, जेउ दिन पतिर मृत्यु होइथाए ताहार 13 दिन दिन निजर झियो मातार हाथ रे रौप्य कंकण पिंधाई थाए। जदि रौप्यर अभाव थाए तेबे ताहाले आपण रस चूड़ी पिंधि पारिबे, किंतु गोटिए ही गोटिए गोटिए पट पिंधिबे, दुईटी पिंधि पारि दुई पट लाखे पिंधि पारिबे नाही। गोटिए गोटिए हाथ रे गोटिए गोटिए पट पिंधिबे, किंतु विधवा मानंकु सुवर्ण चूड़ी पिंधिबा पई मना करा जायछि। जदि भी आपण सुवर्ण चूड़ी पिंधिथिबे तेबे ताहाले आहाकु ओल्हाई दियंतु, एहा आपणक पई शोभनीय नुहे। कि बलराम दासंक पुराण रे लक्ष्मी पुराण रे लिखा जायछि श्रिया मागी थिला कि हस्त को सुना बाही, माने स्वामी बंची थिला पर्यंत सुना
तेणुकरी तार से माँ लक्ष्मी को मागी कि तार स्वामी अमर बर मागी कि माँ लक्ष्मी ताकूपर तेणुकरी कहुए कि सुनाबाही थिबा पर्यंत स्वामी बंची रही था तेणुकरी से प्रतीकात्मक भाव में तार स्वामी आयुष को मागी जदि यह भिडियोटी आपंक भल लगी तेज लाइक करूँ अन्य को सेयार करूँ और मोर सारस्वत बार्ता को आगक नापी तेज आपण आसवा सुजक रूपक सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करूँ और अन्य मानक चैनल को सब्सक्राइब करने को कहतु रुचि नमस्कार धन्यवाद।